सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। अगर आपको ये सिंपल सा मेकअप देखना है तो मेरी वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं फिर आ गई हूँ एक नए मीशो हॉल के साथ। मैंने आपसे लास्ट मीशो हॉल में भी शेयर किए थे कुछ प्लस साइजेस, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट पुट ऑन हो गया। तो मैंने इस बार क्या मीशो से शॉपिंग करी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं मीशो क्या है। मीशो इंडिया का फर्स्ट रीसेलिंग वेरी पॉपुलर ऐप है। उसमें आप अपने दोस्तों के साथ या अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट सेल आउट करके उसमें अपना मार्जिन इंक्लूड कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो के एंड में स्टार्ट बता दूंगी कि उसको आप कैसे यूज़ करें। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट आउटफिट के साथ, जो ये है। ये ऑरेंज कलर का चिकनकारी का कुर्ता सेट है, जो साइज़ मैंने 3XL में मंगाया है। साइज़ है 3XL। ये पूरा कुर्ता है जिसपे चिकनकारी का काम हुआ है। ये रेयॉन कपड़े पे काम हुआ है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ये एक जॉर्जेट में होता है जो विजिबल होता है, बट ये विजिबल नहीं है। पूरे इसके हाथों में भी आप देख लीजिए, इसमें आई थिंक आपको 5XL तक मिल जाएंगे। हाथों पे भी अच्छा सा वर्क हो रखा है। अगर मेरा अपने 26 जनवरी का ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, फोटो भी टक कर दूंगी इसके प्राइस के साथ। आई थिंक ये 500 का है, फिर भी मैं कंफर्म रेट आपको। इसका नेक कुछ ऐसा है और ये कपड़े के मोती बने हुए हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3XL में मैंने मंगाया, मुझे बिल फिट आया, लूज नहीं है, हल्का सा भी, तो गुड गोइंग। मेरा हल्का सा वेट भी कम हो रहा है इसका मतलब। तो ये था इसका, ये इसके साथ पैंट आई है बैंड के साथ। इसके ऊपर भी ये आप देख रहे हैं पैंट में नाड़ा दिया हुआ, इलास्टिकेटेड पैंट है। पैंट बिल्कुल वाइट होगी। एंड्स में इसके अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ चिकनकारी वर्क हो रखा है। पैंट कॉटन की है, पैंट रेयॉन की नहीं है, पैंट कॉटन की है। पर बैक साइड में भी हाफ में काम हुआ हुआ है, फुल में नहीं है, सिर्फ इतने एरिया पे काम है। ओवरऑल मुझे ये सेट बहुत पसंद आया। गर्मियों के हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये एंड में कुछ ऐसा वर्क दिया हुआ है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी एक प्लाजो सेट है। वो कुछ ऐसा प्रिंटिंग वर्क के साथ है। ये इसमें कुछ सितारों का भी काम हुआ है, बहुत लाइट सा वर्क है और पूरे ओवरऑल पे छोटे छोटे से आई थिंक मैंने जब चेक नहीं करा एक नॉट पर ये इन्होंने ये टसल दिए हैं, सेकंड नॉट पे नहीं है। और ये साइज है 4XL। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगाया है। ओवरऑल बहुत अच्छा पीस निकला है, कलर भी बहुत डिफरेंट है। आई थिंक ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा बट ये कुछ पर्पल बैंगनी में है। ये पूरा पर्पल बैंगनी में ये शेड है, पूरे पे छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं। और इसके साथ है एक प्लाजो जो बहुत अच्छे घेरे में, बैंड प्लाजो है, ऊपर बैंड दिया हुआ है और इस प्लाजो का घेरा बहुत ज्यादा है। मतलब आप खुद ही देख रहे हैं कि घेरे के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसके एंड्स में
बिल्कुल नीचे ये प्रिंटिंग वर्क है, गोल्डन और पीच सा। ये रियॉन फैब्रिक में है, ये भी पजामा भी। तो कुछ ऐसा सा पजामा मिलेगा, इसके साथ दुपट्टा भी है, पूरा दुपट्टा सेट है। तो बहुत सुंदर सा ट्रफल्स के साथ दुपट्टा दिया हुआ है इसमें। ये है दुपट्टे के चारों ओर, ये आपको एग्जैक्ट मुझे ये प्रिंट कौन सा है, मतलब कुछ छपाई का है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ये काफी बड़ा दुपट्टा है, अगर आप देख रहे हैं अच्छे से आ जाएगा, बहुत सुंदर है। और मैं इसकी साइड में पिक टक कर दूंगी और प्राइस के साथ। बहुत सुंदर दुपट्टा है और दुपट्टे के दो साइड में ये ऐसे कुछ ट्रफल्स दिए हैं। इसका भी मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मीशो में कोड्स होते हैं। और ये नेक्स्ट है हमारा, ये टी शर्ट है, एक हुडी टाइप की, बट ये कॉटन की है, ये कोई वॉर्म टी शर्ट नहीं है। मैंने ये हुड सोच के परचेज किया था, मतलब मुझे भी था कि इतने कम प्राइस में, आई थिंक ये 300-400 में कुछ है ये। मैं प्राइस इसका कोट के साथ दे दूंगी आपको, बट बहुत अच्छे फिटिंग है। ये मेरे हस्बैंड का है, ये भी शायद 4XL में है। ये सेंटर में कुछ ऐसा बना हुआ है, डबल शर्ट में टी शर्ट है। ये इन्होंने बहुत वेयर करी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। इसके सेंटर में ये कुछ फ्यूरियस बेल्ट फॉर स्पीड फास्ट एंड फ्यूरियस, ये कुछ प्रिंटिंग है। बैक से ये बिल्कुल प्लेन ब्लू है, तो कुछ ऐसे में है ये। जो नेक्स्ट है वो एक ब्लाउज है, ये कुछ लाइक्रा में ब्लाउज है। ये प्लस इसमें आई थिंक मुझे साइज याद नहीं है, बट ये बड़ा ही साइज मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा अच्छा खासा इसमें इलास्टिसिटी है, इजीली आ जाएगा। और इसके हाथ तो ऊपर नेट का वर्क दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें नेटवर्क है, हाथ में नेट का कपड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर लाइक्रा का है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है। आई थिंक 3/4 स्लीव है इसकी। मैंने एक बार वेयर किया था, बट अभी मैंने इसको साड़ी के साथ नहीं पहना है, तो इसकी भी मैं पिक्चर आपको लगा दूंगी कोट के साथ। ये ब्लाउज है जो है, ये सॉक्स है, मैंने 2 पेयर्स बनाए हैं, 6 सॉक्स आई हैं, कुछ आई थिंक 180 समथिंग की। तो एक मैंने 2 मंगाए थे, ऑफर में था 180-170 का है। कुछ ये एंकल लेंथ सॉक्स हैं, 3 पेयर है इसमें, ग्रे ब्लैक। और एक मैं ऑलरेडी ही ओपन कर चुकी हूँ, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें मुझे एक जो प्रॉब्लम नज़र आई है, अगर ये एंकल लेंथ, अगर आपका पैर काफ़ी 11 नंबर या 10 नंबर का है, तो ये प्रेफरली ठीक नहीं है, बिकॉज़ ये एंकल लेंथ से भी लूज़ हो रही है, नीचे को जा रही है, साइज़ बहुत छोटा है, साइज वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ मेरे हस्बैंड का पैर थोड़ा सा बड़ा भी है, 11 नंबर, तो ये कंफर्टेबल नहीं हुई है वो। हाँ, ओवरऑल कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत थिक कपड़ा है, मैंने 3 वॉश भी करके देख ली है, उनका कपड़ा बहुत अच्छा निकला है। बट अगर आपका पैर थोड़ा बड़ा है, तो आप उसके लिए यूज़फुल नहीं है। वैसे ही कपड़ा वॉर्म बहुत अच्छी है, कॉटन की है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। जो लास्ट है मेरी, वो है मेरी परचेजिंग, ये डबल बेड की बेडशीट है, बहुत ही सुंदर बेडशीट है ये, मुझे बहुत पसंद आई। कलर भी अभी तक मैं इसको
एटलीस्ट 2 मंथ से अपने बेड पे यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी कलर नहीं गया है इसका। मैं इसकी एक वीडियो आपके साइड में दिखा दूंगी, और साइज भी बहुत अच्छा है। बट कॉटन नहीं है ये, मिक्स है, पॉली कॉटन है। बट एक होता है जो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, ये रहता नहीं है। ये आई थिंक 300 या 270 की है। इसकी भी मैं आपको, इसकी भी मैं पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे साइड में दे दूंगी। कुछ ऐसा सा प्रिंट है ये, पूरा कार्स वाला, बच्चों के रूम के लिए काफी अच्छा है। कलर मुझे बहुत पसंद आया है इसका, और इसके साथ 2 पिल्लो कवर भी हैं जो बहुत अच्छे से स्टिच हुए हुए हैं। पिल्लो कवर जो है सेंटर से हैं, स्टार्टिंग से नहीं है। जो हम पिल्लो इन करते हैं, ये ऐसा सा कुछ है। चेन नहीं है इसमें, आपको हल्की सी स्टिच करनी पड़ेगी। 2 पिल्लो कवर आए हैं इसके साथ। इसका भी मैं कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पर मैं आपको जो टी शर्ट दिखा रही हूँ वो एक ऑनलाइन स्टोर है, द सोल्ड स्टोर। इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो मैंने टी शर्ट कम हुड पहना हुआ, ये वॉर्म है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, और ये 1 पीस लेंथ में है। इसको आप 1 पीस की तरह भी वेयर कर सकते हैं। ये ब्लैक और पीच में है। मैंने इसको अपने बर्थडे ड्रेस के लिए मंगाया था, तो मैंने सोचा इस मीशो हॉल के साथ मैं इसको भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये एक ही पीस था, मैंने इसलिए इसमें शेयर कर दिया। तो यही था मेरा मीशो हॉल, होप आपको पसंद आया हो। मैं नेक्स्ट भी मीशो हॉल लेकर आऊँगी, जिसमें मैं मोस्टली प्लस साइज के ही कपड़े आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल साइज के कपड़े आपको हर साइट पे मिल जाएंगे। मैं आपको जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगी, मोस्टली स्मॉल से लेके, इस जो भी मैं शो कर रही हूँ, स्मॉल से लेके सारे प्लस में जाएंगे। आप इनके कोड्स चेक कर लीजिएगा। तो टिल देन बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट करें, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो मैं नीचे टैग कर दूंगी। ओके, बाय।